हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल क्लाउड। आज हम लोग बात करेंगे EC2 सर्विस के बारे में। द फुल फॉर्म ऑफ EC2 इज इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड एंड दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बेसिक सर्विसेज ऑफ अमेज़न। नाउ अगर हम लोग बात करें व्हाट इज EC2, तो अमेज़न इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड इज अ सर्विस दैट प्रोवाइड्स रिसाइजेबल कंप्यूट कैपेसिटी इन द क्लाउड। Amazon EC2 reduces the time required to obtain boot new server instances to minutes, allowing you to quickly scale capacity both up and down as your computing requirements change. तो जैसा कि यहाँ पे स्लाइड पे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी एक डेफिनेशन, तो इसको मैं थोड़ा सा अगर सिंपल वर्ड्स में थोड़ा ऑब्जेक्टिफाई करूँ, EC2 जो हमारी सर्विस है वो हमें क्या देती है, एक रिसाइजेबल कंप्यूट लोकेशन देती है हमारे क्लाउड पे, जिसकी हेल्प से हम एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और उस इंस्टेंस पे आप जैसा भी आपको वो इंस्टेंस क्रिएट करना है, एक लिनक्स इंस्टेंस, एक विंडोज इंस्टेंस, उबुंटू इंस्टेंस, आपको जैसा भी इंस्टेंस चाहिए वैसा इंस्टेंस आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेज़न की होगी एंड कुछ सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं जिनको हम अप्लाई करेंगे। बेसिकली आइए जानते हैं थोड़ा सा EC2 के बारे में। और ये कुछ प्राइसिंग मॉडल्स हैं हमारे पास EC2 के। फर्स्ट वन इज ऑन डिमांड। ऑन डिमांड क्या करता है, ये जब आपको बाय आर के अकॉर्डिंग AWS को पेमेंट करना होता है। सेकंड वन इज रिजर्व्ड, प्रोवाइड्स यू कैपेसिटी रिजर्वेशन। आप एक पर्टिकुलर IP को अपने होस्ट अपने लिए आप एक उसको रख सकते हो, एक फिक्स रख सकते हो और उसके जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स होते हैं वो 1 ईयर और 3 ईयर्स होते हैं। थर्ड वन इज स्पॉट, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप एक बोली लगानी पड़ेगी कि अपने प्राइस के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ सर्विसेज जो बहुत महंगी होती हैं ओरिजिनली, बट वो आपको बोली लगाने के टाइम पे बहुत सस्ती मिल जाती है, बहुत कम प्राइस पे आपको इफेक्टिवली अवेलेबल होती है। नेक्स्ट हमारे पास है डेडिकेटेड होस्ट। ये हमारे जो बेसिकली ये जो हमारा प्राइसिंग मॉडल है, ये हम लोग VPCs में ज़्यादा यूज़ करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड्स। आगे कोर्स में जब हम लोग VPC के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे इन सब चीजों के बारे में। नाउ दीज आर द सम इंस्टेंट टाइप्स, कि कौन कौन सी इंस्टेंस किस टाइप की फैमिली से बिलोंग करती है और उसके यूजेस क्या हैं। लाइक NoSQL डेटाबेस और हाई स्पीड स्टोरेज के लिए आपके पास i3 इंस्टेंस है, जनरल पर्पज इंस्टेंस के लिए आपके पास m5 है, कंप्यूटर ऑप्टिमाइज्ड के लिए आपके पास c5 है, और ये डेटाबेसेस के लिए मशीन लर्निंग आजकल जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है उसके लिए ग्राफिकल GPUs आप यूज़ कर सकते हैं जो P3 में होते हैं, एंड वीडियो एनकोडिंग, 3D एप्लीकेशन स्ट्रीमिंग, उसके लिए ग्राफिक्स इंटेंसिव है जो कि G3 के अंदर आपको मिलेगा। तो ये कुछ इंस्टेंट टाइप्स हैं EC2 के जो हमें अपने EC2 पे अवेलेबल होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने AWS के मैनेजमेंट कंसोल पे और देखते हैं कैसे हमें एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करना है। हम लोग आ चुके हैं अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल पे और मैंने यहाँ पे साइन इन कर लिया है। अगर आप लोगों को नहीं पता है, आप लोग मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोगों मेरे चैनल को जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी जहाँ मैंने बताया है कैसे आपको AWS के कंसोल पे साइन इन करना है, कैसे आपको IAM यूज करना है एंड कैसे आपको बिलिंग अलार्म स्टार्ट करना है। हम लोग यहाँ पे AWS का फ्री टीयर कोर्स सीख रहे हैं, कि फ्री टीयर में AWS के जितनी भी सर्विसेज अवेलेबल हैं हम उन सबके बारे में जानेंगे। नाउ हमें अब कौन सी सर्विस अपनी यूज करनी है, EC2, तो अपने सर्विस सेक्शन पे जाके कंप्यूट के अंदर जो पहली सर्विस हमें मिलेगी वो मिलेगी हमें EC2। हमने जैसे ही EC2 पे क्लिक किया एक लैंडिंग पेज ओपन होगा एंड आई होप जिसने जिसने पहले EC2 नहीं यूज किया है उसके नंबर्स बिल्कुल मेरी तरह होंगे 0000। तो अब मुझे क्या करना है, हिट ऑन लॉन्च इंस्टेंस। जैसे ही मैं लॉन्च इंस्टेंस पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इट विल टेक मी टू अ लैंडिंग पेज where choose an Amazon machine image is an step one. तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी मशीन को चूज करना है कि with what kind of machine I want to use in my instance. Like आप Amazon Linux use करना चाहते हैं, SUSE Linux use करना चाहते हैं, Windows use करना चाहते हैं, it's totally up to you. मशीन, वर्चुअल मशीन में आप कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम अपना इंस्टॉल करना चाहते हैं वो इस चीज पर डिपेंड करता है। हम लोग Amazon Linux यूज करेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं, ये हमें ले गया है स्टेप टू पे।
जहां पे हमें चूज एन इंस्टेंस टाइप। अगर थोड़ा सा आप वीडियो पीछे करके देखेंगे तो मैंने सारे इंस्टेंस टाइप्स के बारे में आपको बताया हुआ है। यहाँ पे सारे इंस्टेंट टाइप्स आपको कॉन्फिगर भी कर सकते हैं, कंप्यूट ऑप्टिमाइज, जीपीयू ऑप्टिमाइज, बट ऑल इंस्टेंस टाइप्स में T2 माइक्रो ही ऐसा है जो फ्री में अवेलेबल है। तो हमने क्या कहा, नेक्स्ट इंस्टेंस डिटेल्स पे, नंबर ऑफ इंस्टेंस मुझे 1 ही रखना है। हम लोग लार्ज स्केल पे इंस्टेंस पे कैसे हम लोग ऑक्यूपाई करेंगे वो हम लोग बाद में देखेंगे। नाउ व्हाट इज वीपीसी, इट इज रिटन वीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड इज अ वास्ट सर्विस इन AWS एंड वी, और हम लोग वीपीसी के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाकर के अपने कोर्स में। तो वीपीसी को छोड़ दीजिए, क्रिएट अ न्यू वीपीसी भी, सब कुछ आपको वीपीसी के बारे में पढ़ाऊंगा बाद में। एंड आई डोंट थिंक यहाँ पे आपको कुछ करना है, बस आपको ये याद रखना है इनेबल टर्मिनल प्रोटेक्शन पे आपको चेक करना है। नेक्स्ट ऐड स्टोरेज, किस टाइप की स्टोरेज क्लास को आप अपने इंस्टेंस में ऐड करना चाहते हैं। सब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी, एक जनरल पर्पज है SSD है, प्रोविजनल IOPS SSD है और एक मैग्नेटिक है। ये 3 टाइप की हमारे पास स्टोरेज अवेलेबल है हमारे इंस्टेंस पे। बट जैसे ही मैंने ऐड अ न्यू वॉल्यूम किया, अब देखिए मेरे पास हार्ड डिस्क ड्राइव भी अवेलेबल है, ओल्ड HDD हार्ड डिस्क ड्राइव एंड थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड हार्ड डिस्क ड्राइव। बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज हार्ड डिस्क ड्राइव बिकॉज हार्ड डिस्क ड्राइव इज क्वाइट स्लो। मैं SSD ही यूज करूंगा अपने प्रोजेक्ट के लिए, इसको ऐसे ही रखते। नाउ आई वांट टू ऐड टैग्स। ऐड टैग्स क्या, एक की वैल्यू पेयर होता है जो हम अपने इंस्टेंस में ऐड करेंगे। सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिख दिया डिपार्टमेंट एंड वैल्यू इज डेवलपर, ऐड अनदर टैग इट इज ऑफ एम्प्लॉई ID एंड I'm gonna put some random employee ID here. Configure security groups. Now I am on a step 6 configure security group. Here my first rule, which is SSH, is already given by Amazon and it runs on page port number 22. Suppose that I want to add a rule and I want to go to HTTP because I want to host a website on EC2. Here it runs on port 80. This is my IPv4 address and this is my IPv6 address. Now, I just want to review and launch. Here I can see all the details of my instance, instance details, storage classes, tags, what tags I have given, and launch. Now, it will take me to a page where it will give me an option to choose an existing key pair or to create a new key pair. It is just an asymmetric key encryption so that your instance is secured on launching. Now, I am gonna write here SKP. You can write whatever name you want to write. Just I am going to write demo kp and download key pair demo kp.pem. now you are gonna launch instance. Here view instance, जब तक हमारा instance launch हो रहा है तब तक आप इस button पे click करके आप देख सकते हैं हमारे इंस्टेंस की सारी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। ये हमारे IPv4 का एड्रेस है, यही IPv4 के एड्रेस पे हमारी साइट जो होगी वो होस्ट होगी। अब सारी चीजें, इसका VPC ID ये है, Amazon मशीन ID ये है, लॉन्च विजर्ड, ये सारी सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। नाउ हमारा इंस्टेंस अब प्रॉपरली लॉन्च हो चुका है और ये इंस्टेंस स्टेट इसका देखिए चेंज हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने सिस्टम पे SSH क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, SSH क्रोम एक्सटेंशन। तो आप लोग को बस गूगल पर टाइप करना है SSH क्रोम एक्सटेंशन और ये आपको ऑफिशियल साइट पे ले जाएगा, वहां पे इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है SSH एक्सटेंशन, बस जहां पे मेरे पे लॉन्च है, लॉन्च ऐप का आपको ऑप्शन आ रहा है, वहां पे आपके सिस्टम पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। तो मुझे बस इसको लॉन्च करना है। लॉन्च करने के बाद, लॉन्च क्रिएट करने के बाद, सपोज दैट आपने क्लोज भी कर दिया इस चीज को, उसके बाद ये कहाँ मिलेगा आपको, हमारे ऐप सेक्शन के अंदर देखिए SSH सिक्योर शेल टाइप। नाउ अब ये एक टाइप का पेज ओपन होकर के आएगा,
इस पेज पे को हमें कैसे एक्सेस करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट पे अभी आपको याद होगा हमने एक की वैल्यू पेयर की फाइल डाउनलोड की थी, हमें उस फाइल को एक्सेस करना है, तो वो हमारे डाउनलोड्स नाम के फोल्डर में है। तो cd downloads, हम इस डाउनलोड्स वाले फोल्डर में आने के बाद हमारे पास जो फाइल है उसको हमें एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए मैं जो कमांड लिख रहा हूँ वो आपको भी लिखना है, ssh-keygen, it means generate keys dash yes of now demo kp dot pem which is extension. Now it is like asymmetric encryption where you cannot open the lock until and unless you have private key. So I'm gonna change it demo kp dot pud. Asymmetric encryption में क्या होता है, अगर आपने सारे यूजर्स को अपनी की दे भी दी है तब भी वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब तक उनके पास प्राइवेट की नहीं होगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी प्राइवेट की को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे। फिर मुझे क्या करना है, REN demo kp dot pem to demo kp, यहाँ पे हमने क्या किया, अपनी जो demo kp dot pem फाइल है उसको रीनेम किया demo kp नाम पे। अब हमें क्या करना है, अपना जो हमारा EC2 इंस्टेंस था उस पे जो IP एड्रेस हमें मिला था उसके कुछ को उससे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमें उसे यहाँ पे आकर के पेस्ट करना है। आपके में ऑलरेडी EC2 यूजर, हमारा यूजर नेम जो रहेगा वो EC2 यूजर ही रहेगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, आइडेंटिटी के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद मुझे उन्हीं दो चीजों को इंपोर्ट करना है, डेमो केपी एंड डेमो, दोनों फाइलों को जो हमने क्रिएट की, डॉट पी यू बी एक्सटेंशन और .pem extension जिसको हमने रीनेम किया हुआ है। मैंने इसको ओपन किया यहाँ पे और ओपन करने के बाद मैं देखूंगा नाउ, इंपोर्ट करने के बाद आप देखेंगे आपकी आइडेंटिटी सेम नाम पे चेंज हो जाएगी। नाउ हिट एंटर, नाउ एंटर टू कनेक्ट। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया मुझे यहाँ पे टाइप करना है यस। यस करने के बाद देखिए ये मेरे अमेजन लिनक्स 2 AMI पे मेरा लॉगिन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे लिनक्स पे काम करने के लिए हमें रूट यूजर की नीड होती है। तो मैंने लिखा sudo su एंड नाउ आई एम गोना राइट क्लियर। क्लियर करने के बाद मुझे लिखना है yum update slash yes। yum update का काम क्या है, हमारी वर्चुअल मशीन में अगर मुझे उसका कोई भी उसमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है या OS इंस्टॉल्ड है उसको अगर अपडेट करना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड है yum update slash y-y। तो उसके लिए Amazon 2 कोर सर्विस मैंने यूज करी हुई है। नाउ हम देखेंगे कि हमारे पास सारा लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है तो मुझे कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। बट मुझे एक चीज इंस्टॉल करनी है, अगर मुझे अपने EC2 इंस्टेंस को एक सर्वर के रूप में यूज करना है तो मुझे अपाचे को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मुझे अपाचे का को इंस्टॉल करने के लिए मुझे क्या लिखना है, yum install httpd dash yes। ये क्या करेगा, ये अपाचे को इंस्टॉल करेगा मेरे इंस्टेंस में। अपाचे का काम क्या है, हमारे जो EC2 इंस्टेंस है, हमारे अमेजन का EC2 इंस्टेंस है, इसको एक सर्वर के रूप में ये चेंज करेगा। नाउ आई एम गोना गो टू द डायरेक्टरी cd where dash www dash html। नाउ यू कैन सी आई हैव मूव्ड ऑन टू अ फोल्डर नेम्ड html इन अवर अपाचे सर्वर। हियर आई एम गोना राइट नैनो इंडेक्स डॉट html। नैनो कुछ भी नहीं है, नैनो सिर्फ एक कोड एडिटर है। तो मैं यहाँ पे छोटा सा html का स्क्रिप्ट लिखना चाहूंगा, बहुत ही छोटी सी स्क्रिप्ट है ये। नाउ कंट्रोल एक्स आप करेंगे फिर आप वाई करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, देन आपको एंटर करना है। नाउ अगर आप देखेंगे ls करके लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज तो आपको index.html दिख जाएगा।
index.html हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अपनी अपाचे की सर्विस को स्टार्ट करना है। तो मुझे, मैंने लिखा सर्विस httpd स्टार्ट। ये क्या करेगा, हमारी HTTP सर्विस को स्टार्ट करेगा। नाउ चेक कॉन्फिग, सपोज दैट किसी भी रीजन से अगर आपका EC2 इंस्टेंस रिबूट हो जाता है तो चेक कॉन्फिग ऑन आपकी अपाचे को दोबारा से स्टार्ट करेगा। और अगर आपने अपना सिस्टम मैनुअली रिबूट किया है उसको, अपनी EC2 इंस्टेंस को स्टॉप करने के बाद, तब भी आपको चेक कॉन्फिग करना पड़ेगा ताकि आपका अपाचे सर्वर स्टार्ट हो सके। नाउ अब अगर मैं अपने AWS वही इंस्टेंस पे जाऊं और IPv4 जो हमारे पास ID है उसको मैं कॉपी करूं, उसके बाद मैं इसको अगर अपने ब्राउजर पे मैं पेस्ट करूं, तो आप देखेंगे हेलो टेक्निकल क्लाउड व्यूअर्स, जो हमने अपने अपाचे लिनक्स पे जो भी हमने HTML फाइल क्रिएट की है वो हमारे पर्टिकुलर IP एड्रेस पे होस्ट हो चुकी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने पहला इंस्टेंस क्रिएट किया। अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप टेक्निकल क्लाउड गूगल पे जा करके आप इस AWS सर्टिफिकेशन कोर्स को स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं, इस सीरीज की सारी वीडियोज को। और हम लोग अब आगे बात करेंगे कि कैसे हमें इसकी सिक्योरिटी पॉलिसीज को चेंज करना है, कैसे हमें जो और भी हमारे इंस्टेंस टाइप्स हैं उनको एक्सेस करना है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।